वंदे मातरम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, बात सबसे पहले करेंगे छत्तीसगढ़ की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के पुलिस लाइंस हेलीपैड से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आम जनता, जन प्रतिनिधियों और समाज प्रमुखों से भेंट मुलाकात के अभियान पर रवाना हुए और मुख्यमंत्री इस अभियान की शुरुआत सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले से करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पहला पड़ाव सामरी विधानसभा क्षेत्र में होगा। मुख्यमंत्री बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र में कुसमी, शंकरगढ़ और बरियो गांव में पहुंचे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सामरी विधानसभा क्षेत्र में आम जनता, जन प्रतिनिधियों और समाज प्रमुखों से भेंट मुलाकात अभियान की उन्होंने शुरुआत की। वहीं इस विधानसभा क्षेत्र के कुसमी पहुंचने पर हेलीपैड पर संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज समेत वहां के जन प्रतिनिधियों और नागरिकों ने मक्के से बनने वाले पॉपकॉर्न की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री ने इसके बाद थाना परिसर में पुलिसकर्मियों के परिजनों से भी मुलाकात की। पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने और छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए पुलिस कर्मियों के परिजनों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। और बिलासपुर के निगरानी समिति की आज नियमित बैठक कलेक्ट्रेट के मंथन सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बिलासपुर सांसद अरुण साव ने की। वहीं बैठक में केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। वहीं मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से बातचीत भी हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य को गति प्रदान करने के लिए निर्देशित भी किया गया है। कमेटी की नियमित बैठक आज आहूत हुई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। इस बीच जो समस्याओं के क्रियान्वयन में लोगों की जो दिक्कतें आ रही थी उस पर विस्तार से बातचीत हुई। मनरेगा के काम को लेकर, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से बातचीत हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना के काम को गति प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया। जल जीवन मिशन के काम को व्यवस्थित करने और लोगों को पेयजल के लिए आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समय पर पेयजल की समस्या ना हो इसकी चिंता करें और लोगों को पेयजल उपलब्ध कराएं। और अब खबर छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से है, जहां एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल 1 अप्रैल को एक अज्ञात महिला का शव जंगल में बरामद हुआ था। जंगल से हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल फोरेंसिक सेल की टीम और साइबर सेल की मदद से जाँच शुरू कर दी। अब पुलिस ने मामले को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि प्रेमी ने ही युवती की हत्या की थी। कोंडागांव पुलिस ने बड़ी मशक्कत से थाना माकड़ी में हुए हत्या के मामले को बड़ी तेजी से सुलझाया है। दिनांक 1 मई को एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जहाँ घटनास्थल को देखते हुए यह प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं महिला का मर्डर हुआ है। सबसे पहले मुश्किल वाली बात थी महिला का आइडेंटिफिकेशन करना, क्योंकि शव पुराना होने से चेहरा वगैरह ठीक से नहीं दिख रहा था। हाथ में बने हुए टैटू और साड़ी की मदद से आइडेंटिफिकेशन हुआ, जो कि महिला उड़ीसा के नवरंगपुर जिले की रहने वाली पता चला। महिला के घर जाके परिजनों से बात किया। और छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में जल बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिससे जुड़ी समाज सेविका कविता गेंद्रे ने कहा है कि पानी हम इंसानों के लिए प्रकृति का अनमोल उपहार है। जीवित रहने के लिए सभी मनुष्यों, जानवरों और पौधों के लिए जल आवश्यक है। नीर को बचाना और संरक्षित करना एक आवश्यकता बन गई है, क्योंकि पृथ्वी पर ताज़ा पानी की मात्रा बहुत कम बची है। इसीलिए सरकार सभी को पर्याप्त मात्रा में मीठे पानी की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है। बच्चे में 75%
वयस्कों में 60% और वरिष्ठ में 50%। पानी मानव शरीर में मुख्य घटक है, जल है तो जीवन है। हमने सभी ग्राम पंचायतों के सचिव को निर्देशित किया है कि जहाँ जहाँ भी जल भराव हो रहे हैं, पेयजल की व्यवस्था के लिए भी सुविधा मुहैया कराया गया है, और जहाँ जहाँ पानी की असुविधा है, पर्याप्त पानी नहीं है जहाँ वार्ड में, तो वहाँ भी पोल स्टैंड या स्टैंड पोस्ट कर कर अपना व्यवस्था किया जाए। पेयजल विभाग से समन्वय बना करके भी पेयजल की सुविधा को मुहैया कराया जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार से परेशानी ना हो। कि एक एक बूंद को बचाने के लिए सभी सचिवों को भी निर्देशित किया गया है कि जहाँ जहाँ जल भराव हो रहे हैं तो वहाँ के जो पानी अनावश्यक रूप से वेस्टेज ना हो, और उस बूंद की कीमत को हम पहचाने जाने और उसको संजो करके रखें ताकि वही जल जो है हमारे जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। दीपक कुमार देवांगन, बालोद। मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग एक एक बूंद बूंद पानी की कीमत समझिए, और हर प्रत्येक नागरिक को अपने अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आने वाला समय में पानी के लिए बहुत मारामारी होगा, लोग जो है पानी की लड़ाई लड़ेंगे। आम नागरिकों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने अपने घर में जितने भी नल लगे हैं उसमें नल लग। और कोरबा के सर्व ब्राह्मण मंच दर्री की ओर से HTTP कॉलोनी दुर्गा मंदिर परिसर में भगवान परशुराम की जयंती पर सुंदरकांड और महाआरती का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ द्विज ब्राह्मण समाज की ओर से सदस्यों ने मानस पाठ का आयोजन किया, वहीं सबसे पहले भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की गई। मैं प्रदीप मिश्रा सर्व ब्राह्मण मंच में महासचिव का दायित्व है। कल विप्रकुल शिरोमणि राजराजेश्वर जी महाराज भृगुकुल नंदन भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव के अवसर पर सर्व ब्राह्मण मंच द्वारा दुर्गा मंदिर प्रांगण में महाआरती एवं मानस पाठ सुंदरकांड का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे क्षेत्र से समस्त विप्र बंधु सपरिवार उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए एवं कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ द्विज समाज द्वारा कार्यक्रम में हिस्सा लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया गया। और छत्तीसगढ़ के 9 जाबाजों ने एवरेस्ट के बेस कैंप की चढ़ाई कर कमाल कर दिखाया है, जहां इस टीम में 4 ऐसे सदस्य हैं जो दिव्यांग हैं, किसी को देखने में समस्या है, मगर इसके बाद भी उन्होंने मुश्किलों के पहाड़ को अपने हौसलों के सहारे पार किया है। आपको बता दें कि 10 दिनों में प्रदेश के 9 युवाओं ने एवरेस्ट बेस कैंप की 5,364 मीटर की चढ़ाई पूरी की है। वहीं इन सभी ने प्रदेश के माउंटेनियर चित्रसेन साहू से इंस्पायर होकर इस मिशन को पूरा किया। चित्रसेन खुद एक ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर गंवा चुके हैं, वो कृत्रिम पैरों की मदद से पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, खबरों में आगे बढ़ेंगे। छतरपुर के प्रख्यात तीर्थ क्षेत्र बागेश्वर धाम पर अक्षय तृतीया का दिन हमेशा के लिए यादगार बन गया। सनातन संस्कृति के इस पवित्र दिवस पर भारत के 2 बड़े संतों का मिलन बागेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर हुआ। वहीं संतों ने श्रद्धालुओं से संवाद करते हुए भारत की ऋषि परंपरा, सनातन संस्कृति, योग और वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा भी की। इस अवसर पर बागेश्वर धाम पवित्र क्षेत्र में हजारों लोग मौजूद रहे। आयोजन के मुख्य वक्ता देश के प्रख्यात योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव रहे। वहीं उन्होंने बागेश्वर धाम पर बालाजी भगवान की कृपा से किए जा रहे सामाजिक धार्मिक कार्यों की जमकर सराहना की। इस
और वहीं बैतूल में डीएफओ के निर्देश पर सक्रिय हुए वन अमले को एक टवेरा में रखे दो सागौन की लकड़ी के लट्ठे बरामद हुए हैं। साथ ही साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। मामला पश्चिमी वन मंडल की सावलीगढ़ रेंज का है, जहां पर चिरा पाटला के पास घात लगाकर बैठे वन कर्मियों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिन पर वन अपराध के तहत मामला दर्ज किया गया है। और वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में पिछले 10 अप्रैल से लगातार कर्फ्यू जारी था, जिसे आज हटा लिया गया है। हालांकि 24 दिनों से जारी इस कर्फ्यू को आज पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। प्रशासन ने अपने आदेश में धार्मिक स्थलों को खोलने की बात भी कही है। हालांकि डीजे साउंड का उपयोग करने के लिए अभी किसी तरह के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। आपको बता दें कि खरगोन में अब स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है और शांतिपूर्ण हो चुकी है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। ये भी बता दें कि पिछले महीने 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा भड़की थी, जिसके बाद वहां कर्फ्यू लगा दिया गया था। इस कर्फ्यू को आज जिला प्रशासन ने खत्म कर दिया है। आज शांति समिति की मीटिंग प्रशासन द्वारा ली गई थी, उसमें सभी समुदाय वर्ग के लोग थे। सभी के द्वारा सहमति से यह निर्णय लिया गया कि जो 10 तारीख से लगातार प्रतिबंधात्मक अपने आदेश हुआ था, वो 144 के थे, वो वाला आदेश आज से समाप्त किया जाता है। मतलब किस प्रकार की सर छूट रहेगी? जो 10 तारीख के पूर्व की स्थिति थी, उस प्रकार की स्थिति निर्मित होगी, मतलब समस्त प्रकार की आज से छूट रहेगी। जैसे सर आज बुधवार को 5 बजे तक छूट नहीं, समस्त छूट हो गई, जो पूर्व की स्थिति थी सभी चीज खुल गई, सभी चीज सभी प्रकार का कर्फ्यू छूट खत्म कर, धार्मिक स्थल भी खुले। सर धारा 144 प्रभावी रहेगी क्या? नहीं, उसका भी आज आदेश कर देंगे। और सिंगरौली में बिजली विभाग के भारी भरकम बिल से उपभोक्ता बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि बिजली उपभोक्ताओं को खपत से अधिक बिजली बिल थमाया जा रहा है, और जिससे परेशान ग्रामीण शिकायत लेकर जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीना के पास पहुंचे। भारी भरकम बिल से परेशान किसान ने बिजली विभाग पर मनमाने ढंग से बिल भेजने का आरोप लगाते हुए कहा है कि बिजली विभाग के अधिकारियों से कई बार बिल कम करने की गुहार लगाई गई है, लेकिन बावजूद इसके बिजली विभाग के अधिकारियों ने बिजली बिल में कोई सुधार नहीं किया। ग्रामीण ने जिला प्रशासन से गुहार लगाते हुए जल्द बिजली बिल कम कराने की मांग की है। हालांकि पूरे मामले को लेकर जिले के कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने संज्ञान पूरे मामले का ले लिया है। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द बिजली बिल सुधारने का निर्देश दिया है। मैं विद्युत विभाग के कर्मचारियों से बहुत ही परेशान हूँ और हमें परेशानी किया जा रहा है। 65,000 रुपये का बिजली बिल भेजा जा रहा है बार बार, जो कि मुख्यमंत्री द्वारा के घोषणा के किया गया हुआ है कि जो कि बिजली बिल माफ़ कर दिया जाए जो भी कोरोना काल का है। तो श्रीमान जी, मैं बार बार विद्युत विभाग जाता हूँ और बोलते हैं तुम्हारा बिजली बिल माफ़ नहीं होगा, और जो कि मुख्यमंत्री साहब का सख्त आदेश है कि जो भी कोरोना काल का जो भी भारी भरकम बिल है वो माफ़ किया जाए। वो आज तक मेरा बिल माफ़ नहीं किया। मैं जाति का हरिजन हूँ, मैं जूता पॉलिश करता हूँ सर, मैं किसी प्रकार का फैक्ट्री या किसी प्रकार का कंपनी नहीं चला रहा हूँ कि जितना एक बैग 6500 यूनिट का बिलिंग करा के मेरे ऊपर भेजा गया भारी भरकम बिल। मैं ये जमा करने में असमर्थ हूँ, मैं गरीब आदमी, मेरे साथ न्याय किया जाए। अभी पिछले दिनों जनसुनवाई में एक मामला आया था, उसमें उनके द्वारा पिछले 2020 का से जो बिल है उसकी जानकारी उन्होंने दी थी कि वो बिल की मात्रा अधिक है। तो हमने जो यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है कि वो उसकी पूरी तरीके से जांच करें, और अगर उसमें कुछ ऐसी त्रुटि पाई जाती है तो उसको तत्काल निराकरण करके और उसका निदान करें। और वहीं शाजापुर के घर में 12 साल के लड़के का शव मिला है। पूरा मामला थाना अकोदिया नगर के जाटपुरा का बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि बच्चे की गला घोटकर हत्या की गई है। जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। साथ ही साथ जिला SFL अधिकारी RC भाटी ने भी घटनास्थल जाकर
निरीक्षण किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि थाना प्रभारी ने ये बताया है कि जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो 12 साल के एक लड़के का घर में शव बरामद हुआ है। हालांकि परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है पूरे मामले की। पुलिस पहुंची है, मौका मुआयना किया गया है, घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया है, साथ ही साथ सारे सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द ही पूरी घटना का खुलासा किया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बच्चे की हत्या किसने की है।